गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अब तक हम बीए थर्ड ईयर की अपनी क्लास में दो सेक्शन का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम तीसरे यूनिट की या तीसरे सेक्शन की शुरुआत करने वाले हैं। अब आपको थिंकर्स नहीं पढ़ना, अब आपको विचारधाराओं के बारे में पढ़ना है। आज हम जिस विचारधारा की बात करेंगे वो विचारधारा है आदर्शवाद की विचारधारा या आदर्शवाद की अवधारणा, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रत्ययवाद भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, प्रत्ययवाद। इसके अलावा इसे चरमतावादी सिद्धांत भी कहते हैं, इसे दार्शनिक सिद्धांत भी कहते हैं, इसे नैतिक सिद्धांत भी कहते हैं और इसे आध्यात्मिक सिद्धांत भी कहते हैं। तो आदर्शवाद का जब हम अर्थ बात करते हैं आदर्शवाद की, तो जैसे कि आपको शब्द से मालूम हो रहा है कि कोरी कल्पना से जुड़ी हुई अवधारणा, जिसमें विचारक जो है वो केवल कल्पना जगत में खोया रहता है। ऐसी कल्पनाएं जो हमारी सोच से परे होती हैं, वो सारी कल्पनाएं किसमें आती हैं, आदर्शवाद में आती हैं। तो इसमें व्यक्ति भी एक आदर्श होता है, इसमें राज्य भी एक आदर्श होता है, इसमें सरकार भी एक आदर्श होती है। तो आदर्शवाद एक ऐसी अवधारणा है जो कोरी कल्पनाओं पर आधारित है, जो अपने आप में राज्य को साध्य मानकर चलती है और व्यक्ति को साधन मानकर चलती है, और यह कहती है कि राज्य के भीतर ही सब कुछ है। व्यक्ति का राज्य के बिना कोई अस्तित्व नहीं हो सकता, व्यक्ति का समर्पण राज्य के लिए होना चाहिए। राज्य ही अधिकारों का जन्मदाता होता है, राज्य ही व्यक्ति को व्यक्तित्व के विकास के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाता है, राज्य ही व्यक्ति को स्वतंत्रता देता है। तो सब कुछ अगर है तो वो राज्य के लिए या राज्य के लिए ही है, और राज्य की आज्ञाओं का पालन करने में ही, राज्य की आज्ञाओं का पालन करने में ही व्यक्ति की स्वतंत्रता निहित है, इस प्रकार की बात की गई है। यहाँ तक कि यह भी कहा गया है कि राज्य तो पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, राज्य तो पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है या ईश्वर का दूसरा रूप है, इस तरह की बात जो है वो कही गई है। तो एक ऐसी कोरी काल्पनिक अवधारणा, एक दार्शनिक अवधारणा, एक नैतिक अवधारणा, एक आध्यात्मिक अवधारणा का अध्ययन करने वाले है, इसका नाम है आदर्शवाद की अवधारणा, जिसको हम प्रत्ययवाद भी कह रहे हैं, चरमतावादी भी कह रहे हैं। चरमतावादी का मतलब यह है कि कल्पनाओं की एक चरम सीमा आ जाती है, जिसको हम सोच भी नहीं सकते, एक ऐसी कल्पना इसमें की जाती है, इसलिए तो चरमतावादी सिद्धांत भी कहते हैं। दर्शन जो है वो आदर्शों के साथ में जुड़ा हुआ है, नैतिकता के साथ में जुड़ा हुआ है, तो इसलिए दार्शनिक सिद्धांत भी कहते हैं। नैतिक आध्यात्मिक सिद्धांत इसलिए कहते हैं कि राज्य को एक नैतिक संस्था बताया गया है, व्यक्ति को एक आदर्श प्राणी बताया गया है जो राज्य के भीतर रहता है, राज्य के आदेशों का पालन करता है, राज्य के लिए अपना सब कुछ समर्पण कर देता है। तो नैतिक और आध्यात्मिक अवधारणा उसको बताया गया है। अब थोड़ी सी आरंभिक जानकारी और भी ले लेते हैं कि आदर्शवादियों के दो प्रकार है, एक उग्र आदर्शवादी है, एक उदार आदर्शवादी है। उग्र आदर्शवादियों में जर्मन विचारधारा है, उदार आदर्शवादियों में इंग्लैंड की विचारधारा, इंग्लैंड की उदारवादी अवधारणा है। चूंकि जब जर्मनी की अपन बात करते हैं तो जर्मनी उस समय विभाजित था जिस समय ये विचारधारा आई थी, तो उसको बिस्मार्क की कूटनीति के माध्यम से जर्मनी का एकीकरण हुआ। फिर हमने देखा हिटलर भी आया तो जर्मनी के एक राष्ट्रीय राज्य का गठन हुआ, तो वहां के जो शासक हुए वो उग्र नीतियों से प्रभावित हुए। तो ये विचारक है हीगल, फिक्टे और कांट। कौन कौन से उग्र आदर्शवादी है? हीगल, फिक्टे और कांट। और उदार आदर्शवादी मतलब इंग्लैंड जो था उसका चहु और साम्राज्य था, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में इंग्लैंड जो था वो भारत में आया था व्यापार करने के उद्देश्य से, लेकिन हमने देखा कि चहु और या विश्व में साम्राज्यवाद का एक बहुत बड़ा प्रतिपादक देश था, जिसके बहुत सारे उपनिवेश हुआ करते थे और ब्रिटेन में सूर्य का अस्त कभी होता ही नहीं था, तो समृद्ध था। तो निश्चित है कि उदारवादी अवधारणा होगी, उग्रता बिल्कुल भी नहीं थी। तो जो थिंकर है वहां पर हुए वो है थॉमस हिल ग्रीन मतलब टीएच ग्रीन और ब्रेडले और बोसांके जो थे, उन्होंने उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाया। तो आपसे छोटे प्रश्नों के रूप में पूछ सकते हैं कि आदर्शवाद का वर्गीकरण दो रूपों में किया गया, ये कौन सा वर्गीकरण है और उग्र आदर्शवादी कौन से हैं, उदार आदर्शवादी कौन से हैं? तो उग्र में हीगल, फिक्टे, कांट और उदार आदर्शवादियों में टीएच ग्रीन, ब्रेडले में बोसांके का नाम आप ले सकते हैं। तो ये तो हुई बात आरंभिक जानकारी की, अब हम आदर्शवाद की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे या इसके लक्षणों के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं एक एक लक्षण बोलता जा रहा हूँ, आप लिखते जाइए कौन कौन से लक्षण हैं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं, उनके बारे में आज हम अध्ययन करने वाले आदर्शवाद। ठीक है, अब है पहली जो विशेषता है वो बताई गई है, राज्य एक नैतिक संस्था है।
राज्य एक नैतिक संस्था का मतलब है कि राज्य का उद्देश्य जो है वो मानव का कल्याण करना है, और व्यक्ति का कार्य क्या है, राज्य के आदेशों का पालन करना, और राज्य ही वो आवश्यक परिस्थितियां उत्पन्न करता है जिसमें रहकर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। राज्य के बाहर उसके लिए व्यक्ति के लिए कुछ भी नहीं है। राज्य एक पूरा शरीर है, मतलब एक सावयव है, और व्यक्ति उसका एक अंग है, और व्यक्ति का कल्याण करने वाली संस्था है, इसलिए उसको नैतिकता के साथ में जोड़कर देखा गया है। इसलिए कहा गया कि राज्य एक नैतिक संस्था है। जैसे कहते हैं कि मंदिर एक नैतिक संस्था होती है, आध्यात्मिक संस्था होती है, वैसे ही राज्य भी एक नैतिक संस्था होती है। फिर राज्य साध्य है साधन नहीं है, मतलब राज्य साध्य है मतलब व्यक्ति को राज्य के लिए समर्पित रहना चाहिए, राज्य व्यक्ति के लिए समर्पित नहीं रहेगा, राज्य व्यक्ति के लिए नहीं है बल्कि व्यक्ति राज्य के लिए, व्यक्ति को राज्य के लिए काम करना चाहिए, उसके लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देना चाहिए, और राज्य की आज्ञाओं के पालन में ही उसकी स्वतंत्रता निहित है। तो राज्य को एक साध्य मानता है, सब कुछ राज्य के भीतर है, राज्य के विरुद्ध अधिकार नहीं हो सकते, राज्य के विरुद्ध स्वतंत्रताएं नहीं हो सकती, व्यक्ति राज्य के विरुद्ध अपने अधिकारों की मांग नहीं कर सकता, व्यक्ति राज्य के विरुद्ध अपनी स्वतंत्रता की मांग नहीं कर सकता, लेकिन राज्य क्या करता है, व्यक्ति को वो सारी तात्कालिक सुविधाएं उपलब्ध करवाता है जिससे उसके व्यक्तित्व का विकास होता है, जिसमें स्वतंत्रता भी निहित होती है और जिसमें अधिकार भी निहित होते हैं। तो राज्य क्या है, साध्य है, और व्यक्ति क्या है, साधन है, ये दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता, राज्य का अपना लक्ष्य और व्यक्तित्व है। राज्य का अपना लक्ष्य और व्यक्तित्व है, इसका मतलब है कि राज्य से भिन्न राज्य का अपना व्यक्तित्व और चरित्र है। इस तरह की बात जो है वो आदर्शवादी कहते हैं, लेकिन जब हम आलोचना करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसके चरित्र से अलग हटकर राज्य का कोई भी चरित्र या व्यक्तित्व नहीं हो सकता, क्योंकि अगर व्यक्ति नहीं है तो राज्य का क्या होगा। राज्य के चार अनिवार्य तत्व आपने पढ़े होंगे, भूमि, जनसंख्या। अगर जनसंख्या ही नहीं है तो फिर जो चार आवश्यक तत्व होते हैं राज्य के निर्माण के लिए, तो राज्य का अस्तित्व होगा ही नहीं, वो एक बंजर धरती बनकर रह जाएगी। लेकिन फिर भी यहाँ जो विशेषता या लक्षण है उसके बारे में पढ़ना है, और इस संबंध में फिफ्टे क्या कहता है कि जिस प्रकार एक तैल चित्र तेल कणों का समूह नहीं होता, एक तैल चित्र केवल तेल कणों का समूह नहीं होता। जैसे जब बरसात के दिनों में आप देखते होंगे कि पानी में अगर आप तेल की कोई बूंद गिरा दें तो एक सतह सी आ जाती है, और वो पूरा उसको क्या बता रहा है फिफ्टे, जो कौन है, उग्र आदर्शवादी, कह रहा है कि एक तेल चित्र केवल तेल चित्र नहीं है तेल कणों से बना हुआ, बल्कि उससे कुछ अधिक है। दूसरी बात उसने कहा कि जिस प्रकार एक मनुष्य घटकों तथा रक्त धमनियों का समूह न होकर उससे अधिक होता है, उसी प्रकार राष्ट्र व्यक्तियों का समूह न होकर उससे अधिक होता है। मतलब राष्ट्र क्या है, केवल व्यक्तियों का समूह नहीं है बल्कि उससे कुछ अधिक है। तो राज्य का अपना व्यक्तित्व होता है और उसका अपना उद्देश्य होता है। फिर चौथी बात, राज्य सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व करते हैं। रूसो ने सामान्य इच्छा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, और रूसो ने दो प्रकार की इच्छाएं बताई थी, एक यथार्थ इच्छा और एक आदर्श इच्छा, और सामान्य इच्छा को लोक कल्याण से जोड़कर देखा था, न्यायपूर्ण बताया था, नैतिक बताया था, और ये कहा था कि सभी व्यक्तियों की आदर्श इच्छाओं का योग होती है सामान्य इच्छा, और व्यक्ति जो है वो सामान्य इच्छा का एक अंग होता है। तो राज्य इस संपूर्ण या सावयव का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है, यानी सामान्य इच्छा को रिप्रेजेंट करने वाला कौन होता है, स्टेट होता है। और आपको पता होना चाहिए कि राज्य अतीत काल में क्या होता था, एक पुलिस राज्य हुआ करता था जो व्यक्ति के जीवन और संपत्ति की रक्षा करने का ही काम करता था। धीरे धीरे राज्य के कार्य क्षेत्र का विकास हुआ और उस पुलिस राज्य से निकलकर राज्य आज क्या बन गया, लोक कल्याणकारी संस्था बन गया। अगली विशेषता, राज्य आंतरिक और बाहरी दृष्टि से सर्वशक्तिमान है। संप्रभुता का मतलब क्या होता है, संप्रभुता राज्य के निर्माण का एक ऐसा आवश्यक तत्व होता है जिसके अनुसार राज्य जो होता है वो आंतरिक और बाहरी मामलों में पूरी तरह से क्या होता है, स्वतंत्र होता है। आंतरिक और बाहरी मामलों में राज्य पूरी तरह से क्या होता है, स्वतंत्र होता है। मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं होता, किसी कानून का या कोई संविधान उसके ऊपर नियंत्रण नहीं रख सकता, और बाहर से किसी दूसरी सरकार का उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता। ऐसे राष्ट्रीय राज्य की बात कर रहे हैं जो आंतरिक और बाहरी मामलों में पूरी तरह से स्वतंत्र है और वो सर्वशक्तिमान है। तो हीगल ने इस संबंध में क्या कहा था कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह पृथ्वी पर विद्यमान एक दैवीय विचार है। तो ईश्वर सबसे ऊपर होता है, तो उसी प्रकार से राज्य सबसे ऊपर है। राज्य क्या है, सर्वशक्तिमान है, अजर है, अमर है, सर्वाधिकार संपन्न है, और सबका क्या है, संरक्षक है या सबका अभिभावक है। तो राज्य आंतरिक और बाह्य दृष्टि से सर्वशक्तिमान है। राज्य का आधार बल नहीं इच्छा है। थॉमस हिल ग्रीन क्या कहते हैं, जो उदार आदर्शवादी है,
कहते हैं कि राज्य का आधार बल नहीं इच्छा है, व्यक्ति ने स्वाभाविक रूप से राज्य संस्था का गठन किया। मतलब उदार आदर्शवादी जो है वो राज्य को एक कृत्रिम संस्था नहीं मानते, आदर्शवादी राज्य को एक कृत्रिम संस्था नहीं मानते, वो उसको एक क्या मानते हैं, स्वाभाविक और प्राकृतिक संस्था मानते हैं। राज्य को कृत्रिम संस्था नहीं मानते बल्कि स्वाभाविक संस्था मानते हैं, एक प्राकृतिक संस्था उसको मानते हैं। फिर इसके बाद राज्य का आधार इच्छा नहीं, बल नहीं इच्छा है, इच्छा से ही राज्य का निर्माण हुआ है। अरस्तु ने भी इस प्रकार की बात कही है कि राज्य का जन्म, राज्य का जन्म जो है वो व्यक्ति के लिए हुआ है और वो सदइच्छा के लिए बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर अरस्तु का जो दृष्टिकोण है वो आदर्शवादियों से अलग है, क्योंकि वहां तो क्या बताया गया कि राज्य साध्य है, यहाँ पर क्या कहा गया कि व्यक्ति के लिए राज्य बना है और व्यक्ति की सामाजिकता का परिणाम है, अरस्तु इस प्रकार से वो बताता है। तो राज्य का आधार बल नहीं इच्छा, मतलब मनुष्य स्वयं चाहता था कि राज्य का जन्म हो और राज्य व्यक्ति को वो सुविधाएं दिलाए जिसमें रहकर वो अपने व्यक्तित्व का विकास करे, और व्यक्ति क्या करेगा इसके बदले में उसके आदेशों का पालन करेगा जिसमें उसकी स्वतंत्रता निहित होगी। तो राज्य का आधार बल नहीं इच्छा है, ये उदारवादी आदर्शवादी कौन है, टीएच ग्रीन, उन्होंने ये विचार दिया था। फिर मानव स्वतंत्रता राज्य के आज्ञा पालन में निहित है, जैसे मैं कह रहा था कि व्यक्ति की स्वतंत्रता इस बात में निहित है कि व्यक्ति राज्य के कितने आदेशों का पालन करता है, जितने आदेशों का पालन करेगा उतनी ही स्वतंत्रता उसको मिलेगी, और जो आदेशों का पालन नहीं करेगा उसकी स्वतंत्रता को राज्य छीन लेगा। तो राज्य स्वतंत्रता को जन्म देता है, राज्य ही व्यक्ति की स्वतंत्रता को वापस ले लेता है, और स्वतंत्रता ही वह वस्तु है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास को सबसे बड़ा सहायक तत्व होती है। जो कौन प्रदान करता है व्यक्ति को, राज्य, और वो कैसे मिलती है कि व्यक्ति राज्य के आदेशों का या उसकी आज्ञाओं का पालन करे। इसके बाद अगली विशेषता राज्य अधिकारों का जन्मदाता है। मतलब थोड़ी देर पहले मैं आपसे कह रहा था कि आदर्शवाद में क्या बताया गया कि राज्य के भीतर ही सब कुछ है, अधिकार हो स्वतंत्रता हो सब कुछ राज्य के भीतर है, और व्यक्ति राज्य के विरुद्ध अधिकारों की स्वतंत्रता की मांग नहीं कर सकता, राज्य आवश्यक समझे जाने पर व्यक्तियों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं को उनसे वापस ले सकता है, और वही अधिकारों का संरक्षक है, वही अधिकारों को जन्मदाता है, वही व्यक्तियों को अधिकार प्रदान करता है। और उदार जो आदर्शवादी है वो बंधनों से मुक्ति को स्वतंत्रता नहीं कहते, वो कहते हैं कि राज्य की आज्ञा पालन में ही व्यक्ति की स्वतंत्रता निहित है, व्यक्ति स्वतंत्र रहने के लिए ही बंधनों में बंधना पसंद करता है। तो राज्य अधिकारों का जन्मदाता है। इसके अलावा व्यक्ति और राज्य में कोई विरोध नहीं, आदर्शवादी क्या बताते हैं, व्यक्ति और राज्य में कोई भी विरोध नहीं है बल्कि दोनों एक दूसरे के पूरक है, व्यक्ति राज्य के लिए बना हुआ है, राज्य व्यक्ति के लिए बना हुआ है, व्यक्ति ने स्वयं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और अपने जीवन को सहज बनाने के लिए इस संस्था को जन्म दिया है। तो व्यक्ति और राज्य इसके बीच में कोई विरोध नहीं है, हालांकि राज्य साध्य है व्यक्ति साधन है, लेकिन फिर भी कहा उन्होंने आदर्शवादियों ने कि दोनों के बीच में कोई भी विरोध नहीं है, दोनों एक दूसरे के क्या है, पूरक है। इसके बाद अगली विशेषता राजनीति और नैतिक कर्तव्यों में कोई भी अंतर नहीं है, राजनीतिक और नैतिक कर्तव्यों में कोई भी अंतर नहीं है। इसके बारे में कांट ने कहा आदर्शवादी राजनीतिक और नैतिक कर्तव्यों में कोई अंतर नहीं मानते। कांट के अनुसार कर्तव्य का संबंध मानव की आंतरिक चेतना से है और मानव की आंतरिक चेतना का परिणाम ही राज्य है, अतः राज्य के प्रति हमारे प्रत्येक कर्तव्य का नैतिक होना आवश्यक है। जो वस्तु नैतिक रूप से गलत है वह कभी भी कानूनी रूप से सही नहीं हो सकती। यानी आदर्शवादी क्या कहते हैं, नैतिकता और राजनीतिक और नैतिक कर्तव्यों में कोई भी अंतर नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो बात नैतिक रूप से गलत है वो कभी भी कानूनी रूप से सही नहीं हो सकती। कांट इस बात का समर्थन करता है और वो कहता है कि व्यक्ति अपनी आंतरिक चेतना से क्या करता है, कर्तव्यों का पालन करता है, और इसी आंतरिक चेतना का व्यापक रूप क्या है, राज्य है। जैसे राज्य के संबंध में प्लेटो ने क्या कहा कि राज्य व्यक्ति के मानव के मस्तिष्क का व्यापक रूप है। प्लेटो क्या कहता है, राज्य मानव के मस्तिष्क का व्यापक रूप है, राज्य बलूत के वृक्ष अथवा चट्टानों से नहीं निकलते बल्कि वे तो उन लोगों के मस्तिष्कों से निकलते हैं जो उसमें निवास करते हैं। राज्य मानव मस्तिष्क का व्यापक रूप है, राज्य बलूत के वृक्ष अथवा चट्टानों से नहीं निकलते वरन वे उन लोगों के मस्तिष्कों से निकलते हैं जो उसमें निवास करते हैं। इस प्रकार की बात प्लेटो ने कही है। तो आंतरिक चेतना की अभिव्यक्ति है, और प्लेटो तो क्या कहता है कि राज्य बलूत के वृक्ष अथवा चट्टानों से नहीं निकलते बल्कि वे तो उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के मस्तिष्कों का व्यापक रूप होते हैं। तो आंतरिक चेतना का परिणाम आदर्शवादियों ने क्या बताया, राज्य को बताया। तो आज हमने क्या पढ़ा कि आदर्शवाद क्या है, आदर्शवाद कितने भागों में बटा हुआ है, आदर्शवाद की विशेषताएं क्या है, इसके बाद हम कल पढ़ेंगे।